स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द मैथ बनी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रूव दैट द सीरीज एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है कि साबित कीजिए कि जो सीरीज है समेशन एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल का, ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगा चाहे हम जो भी एक्स का वैल्यू ले लें। ठीक है, हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यू एन एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल दिया रखा है। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि जब भी आपको ऐसा पूछ टाइप का कुछ दिखे, है ना, एन फैक्टोरियल दिख रहा है तो इसका अगर एक्सपेंड करेंगे आप तो एन इंटू एन माइनस टू, है ना, सॉरी एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 थ्री टू वन तक जाएगा, है ना। तो इसी तरह अगर कोई और मान लेते हैं, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पूछ बन रहा है ना, पीछे बहुत सारा एक सीरीज बन रहा है ना एक्सपेंड करने पे लंबा सा। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और रहता है जैसे वन टू थ्री डॉट 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 एन तक रहता है, ठीक, वहाँ भी पूछ बन रहा है लंबा सा। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर बेहतर होता है रेशियो टेस्ट अप्लाई करना, है ना, क्योंकि रेशियो टेस्ट अप्लाई करने पर पूछ होता है ना कैंसिल आउट हो जाता है अपने आप से। ठीक है, अपने अगले वाले टर्म से यू एन निकाल देंगे, उसके यू एन प्लस वन निकालेंगे तो अपने आप अपने अगले वाले जो है ना पिछले वाले अगर पूछे ना कैंसिल आउट करवा देगा। तो पूछ वाला जब भी टर्म निकले ना, जैसे एन फैक्टोरियल निकला यहाँ पे, तो रेशियो टेस्ट ही अप्लाई करना बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, यू एन यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, और इसका यू एन का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे यानी कि मॉडुलस निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमें कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। तो एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, एन यू एन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस वन पावर एन रहता तो हम माइनस वन पावर एन कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि मॉडुलस में माइनस रहे चाहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस हम हटा देते हैं। फिलहाल तो माइनस था नहीं, ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी इतना ही रह जाएगा। ठीक है, और उसका नेक्स्ट टर्म का भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे यू एन प्लस वन का, ठीक है, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यू एन देख सकते हैं इतना जो है ना, इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये जो है यू एन प्लस वन है उसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब डिवाइड करेंगे ना यू एन बाई यू एन प्लस वन, है ना, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये तो ऊपर आ जाएगा, है ना, ये वाला जो है नीचे आ जाएगा, है ना, ये नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हम एन प्लस वन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल गुना एन प्लस वन लिख सकते हैं, फिर आपस में कैंसिल आउट करेंगे, एक्स एन को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, कुल मिला के हमें मिल जाएगा, है ना, एन प्लस वन मिल जाएगा। फिर हम इसी में लिमिट लगा देंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, तो एन प्लस एन, देखिए एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस वन का इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन एक्स इन्फिनिटी होगा, है ना, यानी कि कुल मिलाकर इसमें लिमिट लगाने पे हमारा वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, चाहे हम जो भी एक्स का वैल्यू लें, एक्स का वैल्यू वन टू थ्री फोर कुछ भी रखें, तो हमारा जो आंसर है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे इन्फिनिटी ही आएगा, है ना, फॉर ऑल एक्स यहाँ पर लिख देंगे, है ना, चाहे जो भी हम एक्स का वैल्यू लें यहाँ पर इन्फिनिटी ही आएगा, लिख देंगे फॉर ऑल एक्स, चाहे जो भी एक्स का वैल्यू हम ले लें। तो देखेंगे इन्फिनिटी क्या है, वन से ग्रेटर है, वन से ग्रेटर है तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करके हम यहाँ से कह सकते हैं कि यू एन जो है वो कन्वर्जेंट है ना, बाई रेशियो टेस्ट यहाँ पर लिख भी सकते हैं, बाई रेशियो टेस्ट, है ना, कन्वर्जेंट है फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए, है ना, एक्स का वैल्यू हम जो भी लेंगे इन्फिनिटी ही आएगा। अभी या फिर हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मॉडुलस यहाँ पर लगा देंगे तो मॉडुलस शब्द नहीं लिखेंगे, मॉडुलस हम यहाँ से साइन हटा देंगे तो मॉडुलस हम लिख देंगे यहाँ पर एब्सोल्युटली, है ना, यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स, है ना, यहाँ पर लिख देंगे फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए, एक्स का वैल्यू हम जो भी लेंगे ये कन्वर्जेंट ही रहेगा, इन्फिनिटी ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, जिस कारण से यू एन क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।